लोग इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि इंटीजर में एडिशन जो है, जो भी ऐड करने का रूल है, वो इंटीजर्स कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते थे, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, इन सब को हमने देखा था। मगर क्या सेम रूल, सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम करेंगे? तो आइए हम लोग चेक करते हैं। एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हमने देखा था ए प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। मगर क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करेंगे? कहने का मतलब ए माइनस बी होगा तो उसको हम बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो चेक किया जाए, हमारे पास मान लीजिए दो इंटीजर है, 3 और -5। तो चेक करते हैं, 3 माइनस ऑफ -5 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। लेकिन अगर हम b माइनस ए करें तब हमारे पास आ जाएगा -8। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। इसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था एडिशन में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी। लेकिन क्या सेम चीज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में पॉसिबल है? a माइनस बी ऑफ माइनस सी इक्वल टू ए माइनस ऑफ बी माइनस सी, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ये हम लोग चेक करेंगे। तो सपोज हमारे पास 3 इंटीजर है, 4, 5 और -6। तो वैल्यू को पुट करते हैं, 4 -5 -ऑफ -6। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -1 प्लस 6। तो फाइनल हमारे पास जो बच रहा है वो +5 बच रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, a 4 -5 -ऑफ -6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4 - 11 इक्वल टू -7। तो ये दोनों इंटीजर का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ भी काम नहीं करता है। इसलिए हम लोग कभी भी गलती से भी अगर हमारे पास 5 - 4 दिया हुआ है तो उसको 4 - 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आंसर वैरी कर जाएगा, डिफरेंट आंसर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी पहली लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें इंटीजर्स में मैंने बताया है। आइए हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये काम करेंगे या नहीं, कम्यूटेटिव लॉ। तो सपोज हमारे पास a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा या नहीं, तो दो इंटीजर का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, -10 प्लस 5। तो -10 इंटू +5 प्लस माइनस माइनस होता है 5, 10 या 15। उसी प्रकार +5 इंटू -10, तो यहाँ पर भी हमारे पास -50 ही आने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ काम कर रहा है, ये काम करेगा। उसी प्रकार एसोसिएटिव को भी चेक करते हैं, क्या ये काम करेगा? चेक किया जाए, एसोसिएटिव लॉ में चेक करते हैं, हमारे पास नंबर है a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी अंडर ब्रैकेट। तो सपोज -10 प्लस 5 और एक नंबर 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा -10 इंटू 5 इंटू 3। तो हमारे पास फाइनल क्या आंसर आने वाला है?
माइनस इंटू प्लस माइनस 50 इंटू 3 फिर से प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 150। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं माइनस 10 इंटू 5 इंटू 3, तो यहाँ से हमें क्या मिलने जा रहा है माइनस 10 इंटू 5 3 जा पहले 50 और यहाँ से फाइनल 150 माइनस में, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो हम लोग बोले कि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव लॉ भी काम करेगा। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव लॉ काम कर रहे हैं लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि उस इंटीजर का उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ ऐसा ऐड करते थे जिससे उसका वैल्यू में चेंज नहीं होता था, तो उसी प्रकार मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में वो कौन सा नंबर है जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू चेंज ना हो। तो सपोज हमारे पास है 15, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 15 ही रहे, तो मैथ्स में ऐसा एक ही नंबर है जिसका वैल्यू होता है 1। कोई सा भी नंबर हम लोग लेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम एज इट इज अपने आप को ही रिपीट करता है, तो हम बोलेंगे क्या एक जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, वो किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो क्वेश्चन रहेगा वही आता है आंसर में भी। ठीक है, तो यही है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल मतलब 1/2 करके, जो भी इंटीजर हो हमारे पास उसका अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है तो 1/-10, तो 10 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/-10, 6 का 1/-6, कोई सा भी नंबर उसको हमें रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, हम लोग नेक्स्ट इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो देखते हैं। आर एस अग्रवाल बुक उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, उस बुक को पढ़कर आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए इंटीजर्स के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। दो इंटीजर है हमारे पास जिसका सम क्या हो रहा है -16। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज 53। अब दो इंटीजर में से कोई भी एक 53 है तो वो दूसरा इंटीजर क्या होगा जिसको इसमें जोड़ने पर -16 आंसर आ जाए। ठीक है, इसे मैं दो तरीके से बताता हूँ, एक एल्जेब्रिक मेथड से। सपोज हमारे पास वो इंटीजर x है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 53 प्लस x इक्वल टू -16। तो इक्वेशन में हमने ये सीखा है कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी इंटीजर या कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड को जाएगी तो वो अपना साइन बदल लेती है, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में होगा तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स को हम लोग यही रहने देते हैं और उधर -16 पहले से है, इस 53 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये -53 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्स बराबर ये दो नेगेटिव इंटीजर्स है जिसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा -69। ये एक्स क्या था, दूसरा इंटीजर था, मतलब क्या हुआ इसका कि जो दूसरा इंटीजर है वो -69 है। अब देखिए इन दोनों का सम -16 आ रहा है, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है,
9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। ये नंबर बड़ा है तो माइनस वैल्यू के साथ हम लोग माइनस का साइन लगाएं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने इक्वेशन का उपयोग करते हुए बनाया है। अगर ये हम दिमाग ना लगा पाए तो हम क्या सोचेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। पहला इंटीजर हमें पता है 53 है, दूसरा क्या है पता नहीं, लेकिन दोनों का सम जो आना है वो माइनस 16 आना है। तो हम क्या समझते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो आंसर आना है वो निगेटिव है, और दोनों इंटीजर को जोड़ना है। तो मैंने क्या बताया था, निगेटिव इंटीजर कब आता है, जब दो डिफरेंट साइन के इंटीजर होंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी इंटीजर आना है वो क्या होगा, माइनस वैल्यू के साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये 53 है और ये जोड़ना है, तो जोड़ने के बावजूद हमें माइनस कब मिलती है, जब वो दूसरा इंटीजर निगेटिव होता है। अब ये 16 वैल्यू लाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 53 से ये बड़ा ही होगा, तभी तो घट के 16 आएगा। तो इस 16 को हम लोग इसमें जोड़ देने से जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो दूसरा मिसिंग नंबर है, वो हमें मिल जाएगा। 6 और 3 9 5 और 1 6 माइनस 69, ठीक है। तो जो भी आपको मैथड अच्छा से समझ में आया है आप उसी को फॉलो कीजिए, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34, यानी कि -34 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सम ऑफ 1032 नेगेटिव इंटीजर एंड 878। -1032 + 878, ठीक है, 34 में से माइनस करना है इसके सम को। तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं। 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो 5, और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1। साइन होगा माइनस का क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है। नेक्स्ट -34 -(-) +154। अब एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। 4 में से 4 जाएगा 0, 15 में से 3 जाना है तो हमारे पास बचेगा 12। साइन किसका देंगे, प्लस का। साइन देना जरूरी है क्योंकि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि जो वैल्यू है वो प्लस है या माइनस है। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो साइन ना भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, और लगा देंगे तो और अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल के जो हल है वो समझ में आ गए होंगे। मल्टीप्लिकेशन में एक छोटी सी रूल है जिसे हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। मैं सिंपल से एग्जांपल लेकर बताता हूँ, ये किसी भी इंटीजर किसी भी नंबर में एप्लीकेबल होगा। सपोज हमारे पास -1 × -1, तो ये क्या होगा +1। -1 × -1 × -1, तो ये क्या हो जाएगा -(+) और +(-)-1। नेक्स्ट -1 × -1 × -1 × -1, ये क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर एक पैटर्न है, क्या है वो देखते हैं। अगर दो निगेटिव इंटीजर है तो वैल्यू आ रहा है प्लस, 4 निगेटिव इंटीजर है तो वैल्यू आ रहा है प्लस, मगर अगर नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स ऑड है, यानी कि यहाँ पर कितना है 1, 2, 3, उसी तरह अगर हमारे पास 5 वैल्यू होगा तो आंसर जो है वो भी निगेटिव आना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर इसका भी निगेटिव आना है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, अगर कोई इंटीजर है निगेटिव और उसका पावर n, n यानी कि वो नंबर कितनी बार आया है, वो निगेटिव इंटीजर निगेटिव होना चाहिए,
ये इंटीजर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ वन लेकर बताया। सपोज हमारे पास अब -3 × -4 × -5, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ निगेटिव साइन को काउंट करना है। वो अगर ऑड होगा, नंबर ऑफ निगेटिव साइन अगर ऑड है तो वैल्यू जो आना है वो निगेटिव आएगा, और अगर इवन है तो वो पॉजिटिव आएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि निगेटिव साइन कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, छोटी सी बात है, इसे ध्यान में रखना होगा। इंटीजर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन के लिए भी कुछ बेसिक रूल है जिसे हम लोग देखते हैं। दो निगेटिव इंटीजर्स या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट को देगा, ठीक है। और उसी प्रकार दो डिफरेंट साइन के इंटीजर्स यानी कि एक प्लस और एक माइनस, वो इंटीजर्स का डिवीजन हमेशा नेगेटिव रिजल्ट को देगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में हम लोग याद रखे थे, मल्टीप्लिकेशन के जो रूल थे कि दो नेगेटिव इंटीजर्स और दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव था, उसी प्रकार डिवीजन में भी दो सेम साइन के इंटीजर यानी कि या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उनका जो डिवीजन का रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और डिफरेंट साइन के इंटीजर्स का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। एग्जांपल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास है 4 और 8, 4 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो फाइनल ये क्या आया, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 1/2, ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव हो तो -4/-8, तो ये कट जाएंगे और माइनस साइन भी कैंसिल होके हमारे पास प्लस में 1/2 बचेगा। लेकिन अगर हम साइन को डिफरेंट इंटीजर्स में ले, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तब क्या होगा, रिजल्ट सेम आना है लेकिन इंटीजर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए हो।